गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं आप लोग को ट्रेन का हॉर्न के बारे में बताऊंगा कि अगर हॉर्न बजाती है ट्रेन तो क्या क्या उसका मतलब होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी इंजन का हॉर्न फेल है तो इंजन का फेलुअर माना जाएगा, उस इंजन को हम लोग चला नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेन का जो हॉर्न है बहुत कुछ बताता है। तो पहला जो है छोटा और लंबा, दो तरह का सीटी मारता है। तो पहला जो है एक छोटा सीटी अगर मारता है तो ट्रेन विल गो टू यार्ड और ट्रेन विल प्रोसीड। दूसरा, दो छोटा छोटा सीटी मारता है तो ड्राइवर जो है एएलपी जो है वो पूछता है गार्ड से कि स्टार्टिंग सिग्नल मिला कि नहीं मिला, और मतलब या मिल गया तो सिग्नल एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ स्टेशन पे जो स्टाफ रहते हैं और गार्ड के बीच में। तीसरा, तीन छोटा सीटी, अगर तीन छोटा सीटी मारता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, यानी इंजन जो है फेलुअर हो चुका है और ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। चौथा, चार शॉर्ट सीटी, मतलब कि चार छोटा छोटा सीटी मारता है ट्रेन तो समझ लीजिए कि टेक्निकल कोई फॉल्ट है और ट्रेन आगे नहीं जा सकती। एक लंबा और एक छोटा सीटी अगर है तो समझ लीजिए कि ड्राइवर पूछ रहा है गार्ड से कि क्या मतलब जो ब्रेक पाइप का प्रेशर है ओके है, या मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। छठा, दो लॉन्ग और दो शॉर्ट, अगर दो लंबा और दो छोटा सीटी मार रहा है तो गार्ड को बुलाया जा रहा है इंजन में या इंजन के पास। और सातवां, एक लंबा हॉर्न मारता है अगर गाड़ी तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से डिपार्ट करेगा। आठवां, दो छोटा हॉर्न और एक लंबा हॉर्न मारता है तो चैन पुलिंग को बताता है ये कि चैन या तो ड्राइव गार्ड के द्वारा ब्रेक लगाया गया है या तो किसी पैसेंजर ने चैन को पुल करके और ब्रेक लगा दिया है। नौवां, एक बहुत लंबा सीटी, बहुत लंबा सीटी का मतलब क्या है कि ट्रेन वहाँ रुकेगी नहीं, वहाँ से थ्रू पास करेगी, मतलब बिना रुके निकल जाएगी। दस नंबर, अगर एक लंबा और दो छोटा सीटी बजाती है तो सिग्नल फेलुअर है, यानी कहीं ना कहीं सिग्नल उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है या फेल है। ग्यारह नंबर, छः शॉट या मल्टीपल शॉट, मतलब बहुत सारा छोटा छोटा सीटी लगा रही है तो कुछ ना कुछ या तो गलत दिशा में ट्रेन चली गई है या ट्रैक गलत पकड़ा गया है या कोई खतरनाक सिचुएशन ड्राइवर को लग रहा है कि शायद आगे कुछ गड़बड़ है। 12 नंबर पे, एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा, तो इसका मतलब है कि ट्रेन पार्टिंग हो चुका है, मतलब आधी ट्रेन कहीं पीछे छूट गई है। तो इस सिचुएशन में एक लंबा एक छोटा, एक लंबा एक छोटा सीटी मारती है ट्रेन। 13 नंबर, एक लंबा फिर एक लंबा पाउज के बाद, तो इसमें क्या होता है कि पेंटोग्राफ, जिस जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं उनमें पेंटोग्राफ होता है तो वो टच करता है इलेक्ट्रिक वायर को। अब आ जाइए, एक लंबा एक छोटा एक लंबा, तो इसका मतलब पेंटोग्राफ को नीचे किया जा रहा है। 15 नंबर, तीन लंबा अगर सीटी मारती है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेशन मास्टर और गार्ड को बताती है कि फॉलिंग मार्क क्लियर नहीं है, इसलिए कि मतलब गाड़ी को आगे लिया जाए। फॉलिंग मार्क आप लोगों ने देखा होगा, एक उजला सा एक पत्थर होता है जिस पे उजला पेंट और उस पे ब्लैक कलर से FM लिखा रहता है, अगर वो क्लियर नहीं है तो इसका मतलब कि गाड़ी पीछे से आने वाली गाड़ी जो है मतलब मे भी एक्सीडेंट हो जाए, या मतलब उस फॉलिंग मार्क के अंदर ही गाड़ी को रहना चाहिए, अगर नहीं है तो तीन लंबा हॉर्न मारेगा। 16, लॉन्ग हॉर्न विथ पाउच, अगर लंबा हॉर्न मार रहा है और बीच बीच में पाउच ले लेके, तो इसका मतलब कि पासिंग थ्रू क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से निकल रहा है या आगे उसको क्लियर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। एक शॉट एक लॉन्ग एक शॉट मार रहा है तो इस में ये समझा जाएगा कि जो है स्टॉप सिग्नल को ऑन कंडीशन में गाड़ी पार कर रही है और टोकन जो है उसको रिसीव नहीं हुआ है, तो
टोटल ये 17 तरह का विशल कोड होता है रेलवे का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ऑन इट। इफ़ यू वांट टू नो एनी अदर थिंग अबाउट रेलवे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।